इधर उधर घूमे, बैग के अंदर अब ये डाल दो, बैग के अंदर अब वो डाल दो। ना पता नहीं निकलते टाइम ना मुझे घबराहट होने लगती है कि हाय कुछ। एंड हियर इज हीथ्रो एयरपोर्ट। असली मजे तो बस ईवी के हैं, जंप करके ना उस पासपोर्ट स्कैन करके और बोर्डिंग पास मिल जाएगा। तो फाइनली ऑल द चेक इन, सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज डन। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं नई दिल्ली अपने दे। एक्चुअली मम्मी रही नहीं अब कहीं इस तरह से ना, यू नो, आने जाने लायक। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। विकास इज हियर और आई थिंक कल का व्लॉग जो है वो मैंने यहीं पे एंड किया था और यहीं से फिर अगले व्लॉग की शुरुआत हो रही है कि बस पूछो ना, जहां बैग है ना बस वहीं इधर उधर घूमे, बैग के अंदर अब ये डाल दो, बैग के अंदर अब वो डाल दो। तो विकास जो है वो बैग लगाने लग रहे हैं कार के अंदर, आपको दिखाती हूँ पूरी कार और वो बूट में सारे जमाने लग रहे हैं। बैग कमी है हमारे, हम ज्यादा नहीं लेके जा रहे हैं, कमी दिन के लिए, बट फिर वही है कि हो ही जाता है फिर भी चलते टाइम सामान इतना ज्यादा। तो ये देखो लगाने लग रहे हैं। यस, चलिए अभी जो है मेरे ख्याल से 4:15 का टाइम हो रहा है और वी ऑल आर रेडी। अभी हम निकलेंगे यहाँ से, लंदन पहुँचने में हमें तकरीबन 3.5-4 घंटे मिल जाएगा। पहले हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा और जल्दी निकले, लेकिन आज यहाँ पे ना फुटबॉल मैच है तो वो हमें हाईवे पे निकलते निकलते ही बहुत लेट हो जाता। तो अभी मैच जो है वो डन हो गया है, तो अभी ट्रैफिक जो है वो स्मूथ है। सो नाउ वी गोना गो और जैसे जैसे होगा अब तो फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी ही। वाओ, ईवी इज रेडी और उसने कंघी नहीं कराई है लड़की। टशन देखो लड़की की। वेट मॉम, वेयर इज ग्लासेस और हियर अद्वी इज रेडी। वेयर लुक माय फैशन। ओह माय गॉड, सारी फैशन दिखाओगे भैया? एंड हियर मिमी इज रेडी। इस वाले बैग में मैंने खाने पीने का सामान रखा है जो बनाया है। नाइस। बच्चे कंघी करा लो भाई, बस ईवी के ही कपड़े जो हैं वो बदले जाएंगे बाकी, क्योंकि इसके फिर मैं अब ये जाते हुए सो जाएगी ना, तो फिर मैं इसके चेंज नहीं करूंगी, ऐसे ही सो जाएगी, सुबह को चेंज कर देंगे। और ये मेरी जैकेट, ये विकास की जैकेट, ये सब इस लड़की का जो है वो किया धरा है। दिस गर्ल, बस बेटा बहुत हो गया उतार लो अब तो। ओके बेबी, वाओ, रहने दो रहने दो बेटा। वो देखो वो बैग शायद उठा के, चल मेरा चांद ना रहना। और सब कुछ डन है, जैकेट वैकेट सब पहन ली है। उन्हें पता नहीं निकलते टाइम ना मुझे घबराहट होने लगती है कि हाय कुछ भूल तो नहीं गए, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। तो अभी वही सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा शांत रह के रिकॉल कर रही हूँ। और जो मेरी पिछले 3 दिन से वार्ड लगी पड़ी है ना, ये काम निपटा, वो काम निपटा, ये ऑफिस का कर, वो घर का कर, माय गॉड, अब गाड़ी में बैठ के ना मैं तसल्ली से सोती हुई जाऊंगी, फिर पूरी रात जो है वो होटल में भी रिलैक्स वाली रहेगी, तो एटलीस्ट फ्लाइंग से पहले थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, अदरवाइज बहुत एग्जर्शन हो जाता है। और फिर इंडिया जाते ही तो फिर यू नो, दो बार से आपने देखा ही है ससुराल पहुँचते हैं तो, और इस बार तो माहौल भी अलग ही होगा। तो यस बट एटलीस्ट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, अब मेरी ना हार्ट बीट सी बढ़ रही है। यस yes, और इस लड़की के मैंने फाइनली बाल जो है वो कॉम्ब कर दिए। हाँ, व्हाट होम, ग्लासेस नहीं पहनने, शो ना शूज लेके अंदर। अद्वी भी बस मतलब बिल्कुल सब रेडी है यहाँ पे, विकास का भी वेट कर रहे हैं, पता नहीं वो ऊपर क्या करने चले गए, क्या
वॉश तो किए थे मैंने, फिर भी आउटसाइड के खारिश थी आ रही है कुछ मुझे। ओके जी चलिए अब ट्रैवल करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ईवी को इतनी जल्दी हो रही थी ना बाहर जाने की। बस भाई सामान गाड़ी में भर दिया। भर दिया वो किस तरीके तरी बैठने की जगह बना दी। ओह माय गॉड, बस मेरे लिए ही नहीं जगह बन पाती है। बना दी बस वो उसकी पिछली बार की तरह मत करे। पिछली बार तो मेरी हालत ना, तभी तो उस बार थोड़ा अरेंजमेंट डेवलप करा। पिछली बार बड़ी दिक्कत हुई थी। यस लेट्स गो। चलते चलते भी आधा घंटा हमें लग गया। ईवी ऑलरेडी सेट इन द कार और अदवी के 10 चक्कर लग चुके हैं कार से लेके और अंदर तक। कब आ रहे हो कब आ रहे हो कब आ रहे हो, बट विकास और मैं अभी टैली कर रहे थे सारी चीजें। पिछली बार जैसे इन्होंने बैग अरेंज करे थे ना और मुझे बिठाया था, मतलब मैं बीच में बैठी थी, एक तरफ ईवी की कार सीट थी एक तरफ बैग्स थे, और वो ऐसी हालत हो रही थी कि बैग जो है वो मुझे नीचे से पुश कर रहे थे और ईवी की कार सीट मुझे ऊपर से पुश कर रही थी। तो मैं ना इस तरह से इस पोजिशन में बैठ के यहाँ से लंदन तक गई थी, और लंदन पहुंचते पहुंचते ना मुझे रोना आने लगा था एंड आई वाज लाइक कब पहुंचेंगे। और उस दिन क्या बारिश की वजह से M1 पे एक लेन बंद थी और रूट चेंज हुआ, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ, फिर पता नहीं कहीं लोकल में किसी गांव वाँव से निकाल के जो है वो हम लोग लंदन पहुंचे। और मेरी ऐसी हालत में कहा जल्दी पहुंचा दो, और मैं गाड़ी से उतरते ही ना मुझे जो जगह मिले ना जस्ट लाइक ले डाउन। मेरी इतनी बुरी हालत, मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना पेन मुझे हुआ था। तो इस बार इन्होंने मेरा ध्यान रखा है ना, प्रॉपर सीट है मेरी। चलिए जी चलते हैं, पहने जूते शूते, मिलते हैं अपने घर को कुछ ही दिनों में। ऑल सेट yes. तो अदवी आगे बैठी है विकास के साथ, मामा एंड ईवी एट द बैक है, और ईवी अपने टैब के साथ रेडी। और आज ये दिन में नहीं सोई तो अभी ये गाड़ी में सोई जाएगी, मैं भी सोने वाली हूँ इसके साथ। और वैसे तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या क्या चीज़ें हम करके जाते हैं। एक चीज़ रह गई थी कि बिन्स क्लियर करने, तो यस सारे के सारे जो बिन्स हैं पूरे घर के, वॉशरूम में होता है, किचन में होता है, ईवी अदवी के रूम में होता है, तो वो सारे के सारे हमने क्लियर कर दिए बिन्स क्लीन। और जो बड़े वाले बिन हैं वो हमारे जो पड़ोसी हैं, बिन कलेक्शन का डे होगा तो वो बाहर रख देंगे, तो वो भी एम्प्टी हो जाएंगे। तो यस एवरीथिंग इज टेकन केयर है ना जाना। यस से यस। अदवी को ये बोल रही है देते माय कार यू गो देयर। इतनी टेंशन आ गई इस लड़की में, पूछो ना। एवरीथिंग इज माई, फिर इसको बोलते हैं नहीं ईवी शेयर करते हैं, तो फिर बोलेगी ओके माइन, मतलब बोलेगी बट फिर भी माइन। चलो भाई जय माता दी निकलते हैं। Here is Heathrow Airport. Welcome to Heathrow. But yahan pe hum kal aayenge. So tod se baith ko yaad rehti tez jisne jump kara na. Ye re. Hi. Bags wahan pe hamare aur hotel pahunch gaye hum, aadha pona ghanta ho gaya hai aur mere sar mein jo bhayankar dard hua na. आते तो सबसे पहले मैंने कपड़े इनू तो मेरे नेल्स तोड़ने के पीछे है ये लड़की। आप बोल रहे हो बड़ी सिंसियर सी सीधी सी है, ये झाड़ है बहुत बड़ी। इतनी शरारतें करेगी, मान जा मान जा। तो वाह बेटा बोला नहीं जा रहा, ब्लॉक कर लेते मुझे। तो सिर में जो है वो इतना भयंकर दर्द, पूछो ना।
किसी तरह बस सामान लेके आई विकास के साथ। फिर अदवी ने मेरा सर दबाया, विकास ने भी सर दबाया, तो अब थोड़ा सा रिलीफ है। एक साथ दो पैरासीटामोल ली हैं कैफीन वाली, तो होपफुली रिलीफ हो जाएगा। थोड़ा सा तो रिलीफ है, अदवी के सर दबाने से आराम मिला है। यस, थैंक यू सो मच। तो यस, अब ये लोग तो ऐसे ही हैं, मैं तो कंफर्टेबल हो गया ना, चेंज कर लिया था। आई वाज फीलिंग लाइक कि मैं अभी थ्रो अप कर दूंगी। हालांकि पूरा दिन मैं आज क्या खाया, बस मैंने लस्सी पी थी आई थिंक सुबह, और क्या दस एट दोपहर जो है वो जरा सी खिचड़ी खाई थी बस, नाश्ता भी स्किप हुआ था है ना, बिरयानी हाँ वो पापा ने खाई थी जो बची हुई थी। ऑल राइट, ओके, हाथ भी दर्द करने लगा मेरा, बात मेरी पूरी नहीं हुई। ओके, मुझे यही नहीं पता मैं क्या बताने लग रही थी सिर दर्द के चक्कर में, चलो जो भी है। ओके, तो हम होटल पहुंच गए हैं और अभी विकास जो है वो गाड़ी पार्क करने गए हैं रचना के यहाँ। मेरी फ्रेंड है रचना, जैसे मेरा ये आ रहा लेंस के ऊपर, रचना के यहाँ, तो गाड़ी हमारी वहाँ पे रहेगी। और यहाँ इस होटल से जो एयरपोर्ट है वो ज़्यादा दूरी, 5-6 मिनट का ही रास्ता है यहाँ से, तो सुबह फिर हम लोग टैक्सी से यहाँ से निकल जाएंगे। बट यस, विकास अभी गए हैं गाड़ी पार्क करने रचना के यहाँ, उधर से वो टैक्सी करके आ जाएंगे और फिर हम कुछ खाएंगे पियेंगे। असली मज़े तो बस ईवी के हैं, जंप करके ना, उसका 5 Little Monkeys चल रहा है यहाँ पे। वो देखो जैकेट उतारने की ना उसे इतनी बेचैनी हो रही है, और मैं क्यूकम्बर लाई थी कट करके तो वो दिए उसको कि थोड़ा सा कुछ खा ले। मैं भी एक्चुअली यही खाने लग रही हूँ क्यूकम्बर, और ये लड़की नहीं खाएगी क्यूकम्बर बिल्कुल भी है, इसे नहीं है पसंद ना, इसको ना सैलड तो बिल्कुल। लड्डू मैं हेल्प कर दूँ आपकी, ए हेल्प करिए उसकी। ओहो कर लिया, डन कर लिया, होते हैं जैकेट जिप तो ऐसे खोलेगी ना ये, भगवान। हाँ निकाल 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 लो इनू, सच में आराम मिला बेटा तेरा सर दबाने से, एक बार और दबा दिए तो बिल्कुल चला जाएगा फिर। डॉक्टर इन मेकिंग इन प्रोसेस बट यू डोंट वॉन्ट टू बी डॉक्टर, बट लुक यू हैव मैजिक इन योर हैंड, यू कैन हील पीपल। आई एम अ फेयरी। व्हाट अदवी वॉन्ट्स टू बी? लॉयर, सुप्रीम कोर्ट लॉयर। मनी यार, मनी का नहीं सोच, मनी मनी रियली यस, पैसा उतरा नहीं बेचारे से, पैसा तुझे पैसे का पैसा किसने बताया तुझे कि लॉयर जो है वो बहुत सारी मनी मिलेगी? गूगल। हाँ वेरी गुड, बधाई हो। और बैठे इधर, तो ये भाई ट्विन साइज बेड है, एक और छोटा सिंगल बेड है और एक और उधर सिंगल बेड है, हम चारों का। अब ये पता नहीं कौन कहाँ कहाँ सोएगा, मैंने और ईवी ने तो अपना फिक्स कर लिया, हम दोनों तो यहाँ सोएंगे। अब अदवी और अदवी के पापा की लड़ाई है कि वो दोनों कौन से वाले पे सोएंगे, मैं और ईवी तो यहाँ है। बेटे देख तो सही, पापा के आधे पैर तो बाहर लटकेंगे इसमें से। हाँ यू विल फिट ऑन, अच्छा तो डू यू थिंक पापा विल फिट ऑन दिस वन? ठीक है, ईवी को मैं सुला नहीं सकता, इस पे गिर जाएगी वो। यू विल हैव टू स्लीप ऑन दिस वन, पापा विल। सॉरी मैंने मुंह में कुकम्बर डाल लिया और मैं बोलने लगी। हाँ तू यहाँ सो जा, तू यहाँ फिट है बिल्कुल, तू यहाँ फिट है। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आई थिंक 6:30 बज रहे हैं सुबह के, अभी बस टैक्सी कॉल करने वाले हैं और टैक्सी आ जाएगी। ईवी ने पूरी रात जो मुझे सोने दिया, ओ भगवान, इतना बड़ा बेड था छोटे वाले बेड पे मेरे पास आके, मतलब जैसे जैसे प्लान कर रहा था ना कि सोना है वैसे तो सोए नहीं गए, ये पूरे किंग साइज बेड पर सोई है अकेली, मैं और ईवी इस छुटकू से पे सोए हैं। ईवी और ये सो रहे थे, उसको सुला दिया था एक बार, उठ के फिर आ गई और पूरी रात उसने लात बजा बजा के मेरी बैंड बजाई है। बट खैर, और अब देखो उसको, अब इस पे विकास सो रहे थे, यहाँ पे अब कितने आराम से सो रही है। She slept on all beds. हाँ, हाँ सारे बेड पे ईवी ने टर्न ले लिया है, तब इसको तो ऐसे ही गोद में उठा के लेने लेके जाना पड़ेगा, इसके ना कपड़े बदले गए ना कुछ, एयरपोर्ट पर देखेंगे। तो यस, चलिए अब जर्नी बिगिन होती है, जो मेन जर्नी है हमारी। यस वी गोइंग, सो हम लोग
एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और वर्जिन अटलांटिक अगेन सेम फ्लाइट वी आर फ्लाइंग लाइक लास्ट ईयर। और ईवी को देखो अपना बैकपैक लेके, शी इज़ रेडी। अद्वि और विकास आगे जा रहे हैं एंड क्वाइट बिजी एक्चुअली। तो ये सेल्फ चेक इन वाला काउंटर है, यहाँ पे पासपोर्ट स्कैन करके और बोर्डिंग पास मिल जाएगा, उसके बाद फिर क्यू में लगना है बैगेज ड्रॉप के लिए। और ईवी जो है सुबह सुबह ईस्टर बनी से मिल के आ गई है, लेके जाए इसको उधर इफ शी वांट्स टू गो। सो फाइनली हम काउंटर पे आ गए हैं और यहाँ पे अब बैगेज ड्रॉप करना है। बहुत ही ज़्यादा बिजी है आज एयरपोर्ट पे ना, बहुत ही ज़्यादा। सो फाइनली ऑल द चेक इन सिक्योरिटी एवरीथिंग इज डन। ईवी ने मचा दिया था वहाँ पे भाई हमें सिक्योरिटी में, क्योंकि उसने हाथ में वो कडूली पहनी हुई है ना बैंगल्स, तो वो पूरा चेकअप करना था, वो किसी के पास जा नहीं रही थी। बट फाइनली हो गया मैनेज, एकदम से ही भाग ली थी, फिर सिक्योरिटी वाले उसको पकड़ के लेके आए, तो बट हो गया सारी चीज़ें। अभी जो है हम जा रहे हैं लाउंज की तरफ जा रहे हैं, गेट तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, फ्लाइट ऑलरेडी हमारी कुछ 15 मिनट्स डिले है, वो नोटिस बोर्ड पे आ गया था, बट अभी गेट वगैरह जो है वो अनाउंस नहीं हुआ है। तो है गुड 2.5 आवर हमारे पास अभी, तो अभी बैठने वाले हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। ईवी मैडम ने करने दिया तो, बट एटलीस्ट जब ये हो जाता ना सिक्योरिटी वाला काम, देन इट मीन्स ऑल डन, रिलीफ। बैग्स वगैरह सब ड्रॉप हो गए, कुछ ऐसा सच कैरी नहीं करना, बस सबके छोटे छोटे हैं और एक ये कैबिन वाला है हमारा, दैट्स इट। सो हम लोग ना थोड़ी देर के लिए प्ले एरिया में चले गए थे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा था और फिर बाहर तो ईवी बहुत भागती, तो अच्छे से हमारा 1.25 घंटा वहाँ पे निकल गया और गेट भी अनाउंस हो गया, गेट नंबर 1 से है, तो अभी उधर ही जाने लग रहा है। अच्छी खासी वॉक हो जाती है यू नो एयरपोर्ट पे। अगर आपके साथ कोई छोटा सा बैग है या लेडीज पर्स है, कृपया करके अपने कुर्सी के नीचे सामने वाले खाली जगह पर रखें। वो यात्री जो हमारे अपर क्लास के जी हम लोग पहुंच गए हैं नई दिल्ली अपने देश, और आज फ्लाइट में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही है सर में रहता ना, तो अभी तक भी पूरा ठीक नहीं हुआ, तो कुछ फिर ज़्यादा रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया। और
खाना वाना ठीक ही था, सब कुछ सही रहा, सही रही जर्नी हमारी। फ्लाइट डिले हो गई थी वहाँ से, एक घंटा लेट चली है, बट यहाँ पे आते आते ऑलमोस्ट कवर अप हो गया था, कुछ 20 मिनट्स लेट से लैंड हुई है। तो वहाँ से तो लग रहा था कि बहुत लेट हो जाएगा, बट फाइन। तो अभी बस हम लोग इमिग्रेशन की तरफ चलने लग रहे हैं, बट भाई थकान बहुत हो जाती है, भले ये ना बैठे बैठे ही थक जाते हैं, बैठे हुए बैठे और बस खाते रहो और बैठे रहो, दैट्स इट। और दिल्ली एयरपोर्ट के फेवरेट स्पॉट पे हम पहुंच गए हैं, जहाँ पे हमेशा हम फोटो लेते हैं। कम ऑन इनू, जल्दी जल्दी जल्दी। तो इमिग्रेशन भी डन हो गया, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी वैसे भी, क्योंकि बच्चे जो हैं उनका ब्रिटिश पासपोर्ट है, हमारा तो इंडियन ही है, बट वो ये कि वो फॉरेन नेशनल वाली लाइन में लगते हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और मेरे ख्याल से मुश्किल से 15 मिनट लगी होंगी, बस 15 मिनट में हो गया है। और बैग्स आने में देर लगी, क्योंकि जल्दी हो गया था हमारा, तो बैग सबसे लास्ट में ही आए हैं, बट ये है कि फाइनली बैग्स आर हियर। तो बस अब हम निकल रहे हैं, और टैक्सी जो है वो पार्किंग एरिया में आएगी, टैक्सी करके और फिर चलते हैं मेरठ की तरफ, रवानगी होती है हमारी। एज यूजुअल अब तो 2 साल से आप लोग देख ही रहे हैं मेरे इंडिया वाले व्लॉग्स, ऐसा ही होता है कि हम लोग दिल्ली आते हैं, यहाँ पे जीजा जी और गाड़ी भेज देते हैं, फिर हम लोग मेरठ जाते हैं, फिर वहाँ से हम ससुराल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। और ईवी जो है पूरी क्रैंकी हो रही है बहुत ज़्यादा अब, मतलब वो थक गई है बुरी तरह, हम भी थक गए हैं बट वो हमसे ज़्यादा थक गई है। चलो अब मेरठ चल के मिलते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और मेरठ पहुंच गए थे हम लोग टाइम से ही, आके फिर चाय पी, थोड़ी सी थकान उतरी, नहाए धोए, खाना खाया, फिर मम्मी पापा और शक्ति ये तीनों भी आ गए थे कुछ आधे पौने घंटे के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं आए थे एक्चुअली। मम्मी रही नहीं अब कहीं इस तरह से ना, यू नो, आने जाने लायक। मैं फ़ोटो डाल दूँगी, आप देखना पिछले साल से और अब में कितना डिफरेंस आ गया। मैं हर चीज़ नहीं बताती हूँ चैनल पे, बट शी इज़ नॉट डूइंग वेल। तो मम्मी का ना एक्चुअली डॉक्टर अपॉइंटमेंट था, आना उनको पिछले हफ्ते था, बट वही है कि पता था कि हम लोग आ रहे हैं, माँ का दिल तो वही होता है कि मिल नहीं है, और फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट ससुराल चली जाती, और फिर घर जाने का, मायके जाने का तो नंबर काफ़ी दिन बाद ही आता, तो वही रहता मम्मी को कि मिली नहीं है। तो फिर उन्होंने अपना जो अपॉइंटमेंट है वो इस हफ्ते का किया, बट उनको डॉक्टर के यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। एक डॉक्टर के यहाँ तो फिर भी जल्दी नंबर आ गया, दूसरे के यहाँ नाम भी लिखवाया हुआ था, बट स्टिल उनको 2.5-3 घंटे लग गए नंबर आने में, और फिर सारा चेकअप सारी चीज़ें। तो बस थोड़ी देर के लिए ही आए थे, क्योंकि ड्राइवर भैया जो हैं उनका फिर रोज़ा खुलना था, तो फिर वो लोग टाइम से ही निकल गए। तो यस, मम्मी को आपने देख ही लिया, और यस हम लोग जो हैं वो मेरठ पहुंच चुके हैं। पहले हम सोच रहे थे कि अभी हम शाम को ही जो है वो ससुराल के लिए निकल जाएंगे, पर थकान बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरा सर का दर्द अब तक भी सही नहीं है। वोंट बिलीव के उस दिन से मैंने ऑलमोस्ट 12 गोलियाँ जो हैं वो सर दर्द की खा ली होंगी, पता नहीं किस वजह से ये है। बट ये कि फिर दीदी ने कहा कि रुक जाओ आज रात को, सुबह सुबह निकल जाना यहाँ से, रात की नींद पूरी कर ले, तो क्या पता वो नींद की वजह से हो। तो फिर हम लोग सुबह सुबह जो हैं वो ससुराल के लिए निकलेंगे। और गर्मी सी तो है ओब्वियसली, शुरू हो गई है, बट अभी बहुत अच्छा सा ना मौसम हो रहा है, देखो हवा चल रही है ना, ऐसे पत्ते हिल रहे हैं पेड़ के, तो अच्छा मौसम है। और अभी जीजा जी भी नहीं है और हनी भी नहीं है, हनी की जॉब लग गई है, दीदी का जो बेटा है तो वो भी गया हुआ है, और जीजा जी भी नहीं, तो वो लोग देर तक आएंगे तो फिर सबसे मिल ही लेंगे हम लोग।
तो यस, फिलहाल का अपडेट ये है कि वी हैव रीच्ड इंडिया सेफली और कल जो है फिर हम ससुराल के लिए निकलेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।